अस्सलाम वालेकुम, अलग न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल सत्तार। और नया बेंच बन गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अब इंतखाबात में ताखीर के मामले की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराई में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अब केस की समाअत कर रहे हैं। हुकूमत अब शदीद परेशान है, इसीलिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि इमरान नियाजी, बाबर आवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा। मरियम नवाज़ ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अभी भी यही समझें। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालत जो फैसला देगी उसे हुकूमत को मानना पड़ेगा, वरना यह हुकूमत घर जाएगी। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ पर कहा कि समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूँगा, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। बैरूनी इख्तलाफात होते तो कोई मसला न होता। 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑफिस से निकाला गया। आईन हमारे लिए इंतहाई अहम है। आप लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से वाकिफ भी हैं। आज जो तब्दीली आई है वो नई नहीं, पिछली का तसलसल कही जा सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी होने वाले केस की समाअत करने वाला बेंच जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराई में बना, जो जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल था। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन की बेंच से अलहदगी के बाद टूट गया। आज जब 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करना थी तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की माजरत से ये मामला फिर लटक गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस केस से अलहदगी इख्तियार करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत के बाद जो नोटिस चीफ जस्टिस की जानिब से जारी किया गया उसके लिए उनसे मुशावरत नहीं की गई और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो इस बेंच के लिए मिसफिट हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराई में अज़ खुद नोटिस केस के इख्तियारात से मुतल्लिक किए गए फैसले की हैसियत को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी ऐलामे में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो अक़लियती फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही इस मामले को तय कर चुका है कि अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही हासिल है। आज के बेंच टूटने पर एंकर अलीना शिवी ने ट्वीट किया कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक 1 से 2 दिन तक चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्टिंग चीफ यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। इस फैसले पर समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर काफ़ी सरगर्म है। बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान ने इस हवाले से अपनी ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद कर दिया है। 5 के मुकाबले में 2 जजेस का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। डॉक्टर साहिबा नामी एक ट्विटर सारिफ अपना गुबार निकालते हुए लिखती हैं कि मुल्क बंदरों के हाथ चढ़ा हुआ है, अल्लाह ही खैर करे अब इस मुल्क की। ऐसी दीदा दलेरी है कि दिन दहाड़े कानून साजों के खुद अपने हाथों ऐसी कानून शिकनी हो रही है कि तारीख भी हैरत से शशजर है। कानून शिकनी की ये हदें कहाँ टूटती हैं, इस हवाले से आगाह रहने के लिए अलग के साथ जुड़े रहें।